हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक एट डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेजेस। तो दोनों का टॉपिक हमारा सेम रहेगा, यानी कि इसे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बोलेंगे या फिर हम करैक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस भी हम इसे बोल सकते हैं। तो पर्सनैलिटी टॉपिक है हमारा, उसका ये उसी का ही टॉपिक है, ये पार्ट है ये उसी का। तो पर्सनैलिटी में हम उसका इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड आज हम इसके करैक्टरिस्टिक भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस, यानी कि स्टेजेस के अकॉर्डिंग कैसे एक ह्यूमन में जो पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है। मींस जब एक जो ह्यूमन है, जो वो पैदा होता है, एक चाइल्ड होता है, तब उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होती है। देन जब वो ग्रोथ करता है, एडोलेसेंस स्टेज में आता है, तब उसमें कौन सी चेंजेस आती हैं। एंड जब अडल्ट होता है, ओल्ड एज होती है, तो कैसे कैसे उसकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस आती हैं या फिर क्या क्या डेवलपमेंट होती हैं। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक हैं डेवलपमेंट के। तो फर्स्ट स्टेज हमारी आती है 1 to 5 years, यानी कि 1 से 5 साल तक का जो बच्चा होता है, या फिर 16 से 12 साल के बीच में जो बच्चों की ग्रोथ होती है, यानी कि इसे हम चाइल्डहुड स्टेज भी बोलते हैं, कि क्या क्या उनमें चेंजेस आती हैं, क्या क्या उनके फिजिकली चेंज आता है, मेंटली चेंज आता है, और कैसे उनकी फिजिकली ग्रोथ होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फिजिकल ग्रोथ इन द फर्स्ट 2 ईयर इज फास्ट एंड देन गेट्स वेरी स्लो टिल एडोलसेंस। यानी कि पहले 2 साल, यानी कि जब बच्चा 1 साल और 2 साल का होता है, तो उसमें जो ग्रोथ होती है, फिजिकली जो ग्रोथ होती है, यानी कि उनका जो शारीरिक विकास होता है, वो बहुत तेजी से होता है। और उसके बाद जब वो एडोलसेंट स्टेज में आता है, तब उसकी जो ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ है, वो स्लो हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है द बॉडी हाइट एंड वेट इज इंक्रीज, यानी कि उसका जो बॉडी वेट है, यानी कि शरीर का जो उसका वजन है और जो हाइट है, वो इंक्रीज होगी। थर्ड, हेड इज लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, और उसका जो हेड है, यानी कि उसका जो सिर है, उसका साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू उसका बॉडी साइज के अकॉर्डिंग। फोर्थ पॉइंट है इसमें, इन द बिगनिंग चाइल्ड लर्न टू क्रॉल, देन ग्रेजुअली स्टार्ट स्टैंडिंग ऑन द लेग्स एंड सून स्टार्ट वॉकिंग एंड रनिंग। बिगनिंग में क्या होता है, जैसे कि हम छोटे बच्चे को देखते हैं, बच्चा क्या है, क्रॉलिंग, यानी कि छोटे बच्चे को हम देखते हैं कि वो क्रॉलिंग स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब वो घुटने के बल चलना शुरू कर देता है, फिर धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू होता है, और फिर वो जो है पैरों से चलना स्टार्ट कर देता है, यानी कि चलना भागना वो स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या है, उसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। देन फिफ्थ है, द इंटेलिजेंसी ऑफ द चाइल्ड डेवलप एज द चाइल्ड ग्रो, और उसमें जो इंटेलिजेंसी होती है वो क्या है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती चली जाती है, उसकी इंटेलिजेंसी वैसे वैसे ग्रो करती चली जाती है। सिक्स पॉइंट है, चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग लैंग्वेज, और बच्चा जो है वो लैंग्वेज को कैच करना शुरू कर देता है, यानी कि जो उसकी लैंग्वेज होती है, जैसे कि मदर टंग हुआ, जो भी उसकी फैमिली में जो उसके आसपास जो मेंबर हैं, जो भी वो लैंग्वेज बोलेंगे, वो उसको सीखना, लर्न करना स्टार्ट कर देता है। सेवेंथ है, चाइल्ड इज अनेबल टू व्यू द थिंग्स ऑन द मैनी डायमेंशन, दे ओनली फोकस ऑन वन डायमेंशन विच इज कॉल्ड द सेंट्रलाइजेशन। मीन्स बच्चा अभी क्या है, अभी वो छोटा बच्चा है, तो ये वो हर चीज़ को हर चीज़ के बारे में नहीं सोचता है, उसका एक पर्टिकुलर फोकस होता है, यानी कि वो एक तरफ ही अपना ध्यान लगा के रखता है, यानी कि वो एक सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस उसमें वर्क करता है। देन एट पॉइंट है, मेमोरी स्पैम, अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो इम्प्रूव विद एज, और उसमें मेमोरी बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि चीज़ों को याद करना शुरू कर देता है, उस पर ध्यान देना शुरू कर देता है, यानी कि अपने कंसंट्रेशन बनाना शुरू कर देता है बच्चा। इन अर्ली ईयर चाइल्ड प्ले अलोन विद टॉयज, बट ग्रेजुअली द कोऑर्डिनेशन विद अदर चिल्ड्रन डेवलपिंग इन द प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन। मीन्स स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चा शाई होता है, वो क्या है, अकेला खेलना पसंद करता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी इंट्रैक्शन जो है दूसरे बच्चों के साथ होती है, तो यानी कि उनके बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन बनना स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो दूसरों बच्चों के साथ भी खेलना शुरू कर देता है। टेंथ पॉइंट है इसमें, चाइल्ड लर्न द एटीट्यूड टू रिलीजन एंड
पॉलिटिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स एंड इट ऑलमोस्ट रिमेन द सेम थ्रू आउट लाइफ। और इस स्टेज में यानी कि जब बच्चा 6 to 12 ईयर में आता है तो बच्चा क्या है, एटीट्यूड यानी कि उसका जो रिलीजन है, उसका धर्म के बारे में जानता है, पॉलिटिक्स के बारे में, सोशली एक्टिव होना बच्चा स्टार्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस क्या है उसका, थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है, यानी कि पूरी ज़िंदगी उसका ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। 11th पॉइंट है इसमें, चाइल्ड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ सिचुएशन थ्रू क्यूज इन ऑन द इन्वायरमेंट लाइक इमोशंस ऑन द मदर फेस। और बच्चा जो है वो इमोशंस के बारे में जानना सीखता है, यानी कि सैड इमोशंस हुए, हैप्पी इमोशंस हुए, इन सब के बारे में वो जानना शुरू कर देता है। यानी कि जो भी इन्वायरमेंट में जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो इमोशंस बनते हैं वो उसको समझने जो है वो शुरू कर देता है। जैसे कि एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो इमोशंस को कैसे सीखता है, वो अपने मदर के फेस के थ्रू, यानी कि अगर मदर रोती है, यानी कि बच्चा अपने मदर के फेस को देख करके ये समझ सकता है कि वो सैड इमोशंस में है, उसकी मदर क्या है, सैड इमोशंस में है। क्यों? क्योंकि उसकी मदर रो रही है। अगर उसकी मदर हंसती है तो वो क्या है, वो भी अच्छा फील करता है और फेस पर देखता है कि उसकी मदर हैप्पी है, यानी कि हंस रही है तो वो हैप्पी है। तो ये सारे क्या है, इमोशंस वो सब सीखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद एडोलेसेंस स्टेज आती है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इट इज़ वेरी ड्रामेटिक स्टेज, इट इज़ अ स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये बहुत ही ड्रामेटिक स्टेज होती है, ये क्या है, स्ट्रेस से भरी हुई और जिसे हम बोलते हैं कि तूफानों से भरी हुई स्टेज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं उनमें फिजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनका शारीरिक जो विकास होता है उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं इस स्टेज पर। सेकेंड पॉइंट है, द फिजिकल चेंजेस आर वेरी फास्ट एंड देयर इज़ अ हैवी फिजियोलॉजिकल सोशल एंड इमोशनल स्ट्रेस। और इस स्टेज में क्या होता है, फिजिकल चेंजेस होते हैं जिससे क्या होता है, फिजियोलॉजिकली या सोशली इमोशनली स्ट्रेस उन पर आना शुरू हो जाता है। थर्ड है, एडोलसेंस गेट टॉलर इन लेंथ, बॉयज ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ ब्रीड हेयर इन द आर्मपिट एंड अदर पार्ट्स। तो जो बॉयज होते हैं उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, यानी कि उनकी ब्रीड आनी शुरू हो जाती है, सॉरी जो बियर्ड आना शुरू हो जाता है, हेयर आना, आर्मपिट में हेयर आने शुरू हो जाते हैं और अदर पार्ट्स में भी हेयर की ग्रोथ है वो हो शुरू हो जाती है। एंड द मेल हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन सिक्रीशन टेक प्लेसेस, यानी कि मेल हॉर्मोन्स जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और फीमेल्स में एस्ट्रोजन्स जो हार्मोन होता है वो भी सिक्रीट होना यानी कि प्रोड्यूस बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद आता है कि फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इन फीमेल ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट मिनरेक एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी हेयर टेक प्लेसेस। तो इस टाइम पर फीमेल की ब्रेस्ट में ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, उनके पीरियड्स जो है स्टार्ट हो जाते हैं और बॉडी में जो बॉडी में क्या है, हेयर्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। थिंकिंग इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर एंड थिंकिंग बिकम साइंटिफिकली इंडक्टिव, मीन्स उनका जो थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाता है एंड साइंटिफिकली तरीके से वो सोचना शुरू कर देती है। एंड वैल्यूज आर मॉडिफाइड एंड क्लियर सॉरी लर्न कंसाइडरिंग वन सेल्फ एज द मेंबर ऑफ सोसाइटी। और उसके जो वैल्यूज हैं उसके बारे में भी बच्चा स्टेज पर क्या है, जानना शुरू कर देता है, यानी कि सोसाइटी में एज अ मेंबर वो फील करना शुरू कर देता है। एडोलेसेंस स्पेंड मोर टाइम विद द पीयर्स एंड लेस विद द पेरेंट्स, सो द रिस्क ऑफ द ड्रग एडिक्शन एंड एंटी सोशल एक्टिविटी इंक्रीज। और इस स्टेज पर क्या करता है कि वो बच्चा जो टाइम होता है वो अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा बिताना शुरू कर देता है और पेरेंट्स के साथ वो कम टाइम स्पेंड करता है, जिसकी वजह से उसकी कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह की कंपनी में वो रहता है और या फिर कह लीजिए कि किस तरह का उसका फ्रेंड सर्कल है। मान लीजिए कि अगर उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है तो उसको बैड हैबिट्स हो सकती हैं, यानी कि उसको ड्रग एडिक्शन हो सकता है, तो ये क्या है, सारी एंटी सोशल एक्टिविटी हो सकती है। देन उसके बाद आता है हमारा अडल्ट एज। इन दिस स्टेज चेंजेस बिकम स्लो एंड ऑलमोस्ट गेट कॉन्स्टेंट।
मीन्स इस स्टेज में क्या होगा, जो चेंजेस जो फिजिकली चेंज हो रहे थे वो क्या है, स्लो हो जाते हैं, और जो चेंजेस हुई हैं अगर जो एज के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हो रही हैं वो तो स्लो हो रहा है, लेकिन जो चेंजेस हो चुकी हैं वो क्या है, कॉन्स्टेंट हो जाती हैं, इनके वहीं पर वो रुक जाती हैं। अगेन प्रोसेस बिगन एंड सॉरी एजिंग प्रोसेस बिगन्स एंड शो इफेक्ट ऑन बॉडी, यानी कि एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वो बॉडी पर दिखना स्टार्ट हो जाता है। आई साइट टीथ फिजिकल स्ट्रेंथ डिक्लाइन, यानी कि उसकी आई साइट वीक होने शुरू हो जाती है और फिजिकली स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है। हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि हेयर का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं और जो कि फेस पर दिखना शुरू हो जाते हैं। देन फॉरगेटिंग इंक्रीज थिंकिंग एंड डिसीजन टेकिंग एबिलिटी इम्प्रूव, लेकिन वो स्टेज पे क्या है, फॉरगेटिंग इंक्रीज यानी कि वो थोड़ा सा भूलना शुरू कर देते हैं, यानी चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी जो थिंकिंग एंड डिसीजन करने का जो तरीका होता है यानी कि वो सॉलिड बन जाता है, यानी कि वो चीज़ों को देख परख कर उस पर निष्कर्ष निकालने में उसका जो पर्सनैलिटी है वो ग्रो कर जाती है। मोरल वैल्यूज बिकम मोर पावरफुल, और उसकी जो मोरल वैल्यू है वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। वर्क लाइफ डोमिनेंस एंड कलीग्स ऑल्सो प्री डोमिनेंट इन द सोशल वर्क, और वो क्या है, सोशली एक्टिव हो जाता है, अपने जो उसके कलीग्स होते हैं उनके साथ भी सोशली एक्टिव रहता है और उसका जो काम करने का जो तरीका है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। देन लास्ट आता है हमारा ओल्ड स्टेज, फिजिकल डिक्लाइन बिकॉज ऑफ डिजीज एब्यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी, सेंसरी एबिलिटी लाइक द विजन हियरिंग स्मेल टेस्ट एंड टच डिक्लाइंस, यानी कि अब क्या है वो फिजिकली वीक होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिजीज होनी शुरू हो जाती है, यानी कि वो बीमार पड़ना शुरू हो जाता है, एंड बॉडी वीक होनी शुरू हो जाती है, सेंसरी वर्क जो सेंसरी सिस्टम होता है वो भी वर्क करना कम कर देता है, दिखना कम हो जाता है, सुनना कम हो जाता है, टेस्ट एंड टच जो उसके सेंसरी ऑर्गन है वो भी काम करने कम हो जाते हैं, मूवमेंट ऑफ द बॉडी ऑल्सो गेट स्लो, और उसकी जो मूवमेंट होती है बॉडी की वो भी कम हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं वो क्या धीरे धीरे चलते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाता है। मेमोरी सफर अलॉट स्पेशली शॉर्ट टर्म मेमोरी इंटेलिजेंस रिमेन कॉन्स्टेंट, मीन्स उनकी जो मेमोरी होती है वो जो है लॉस्ट होनी शुरू हो जाती है, इनके शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाती है, यानी कि कुछ जो चीज़ें हैं वो कुछ टाइम तक उन्हें याद रहती हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं, लेकिन उनकी जो इंटेलिजेंसी होती है वो कॉन्स्टेंट रहती है। देन फोर्थ पॉइंट है, सोशल सर्कल गेट्स टू स्मॉल बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ फ्रेंड्स एंड पुअर हेल्थ कंडीशन, लोनलीनेस इज द सीरियस प्रॉब्लम इन द लेटर स्टेजेस, उसका जो सोशल सर्कल होता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो एज के जो लोग होते हैं उनमें काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है और कुछ इतने बुजुर्ग हो जाते हैं कि वो अपने घर से नहीं निकलते, अपने घर के अंदर रहते हैं, तो उनका एक सोशली जो एक सर्कल बनता है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है, और कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं, और क्या होता है ओल्ड एज में लोनलीनेस बहुत हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग हो जाते हैं और उनके पास लोग जो है कम बैठना शुरू कर देते हैं, तो वो अकेला अकेला फील करने लग जाता है, और जो कि बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती है इस स्टेज में। तो ये थे हमारे करेक्टरिस्टिक ऑफ द डेवलपमेंट स्टेजेस। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।